नमस्कार, जीबीटी अध्यात्म में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। महादेव की भक्ति में डूबने वाला महीना सावन 4 जुलाई से शुरू हो चुका है और इसी के साथ कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। शिव भक्त सावन के पवित्र महीने में व्रत करने के साथ ही गंगा तट पर कलश में गंगा जल भरते हैं और अपनी कांवड़ पर बांध कर कंधों पे लटका कर अपने अपने इलाकों के शिवालय आते हैं और शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करते हैं। पर क्या आपको पता है कि सावन के महीने में आखिर कांवड़ यात्रा पर निकलने के पीछे की धार्मिक मान्यता क्या है और पहले कांवड़िए कौन थे? अगर नहीं तो हम आपको पूरे विस्तार में बताते हैं कि कैसे शुरू हुई कांवड़ यात्रा और कौन थे पहले कांवड़िए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कांवड़ यात्रा करने से भगवान शिव अपने सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं और जीवन के सभी संकटों को दूर कर देते हैं। लेकिन कांवड़ यात्रा की शुरुआत को लेकर कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले कांवड़ यात्रा भगवान परशुराम ने शुरू की थी। ऐसी मान्यता है कि उन्होंने कांवड़ में गंगा जल भरकर उत्तर प्रदेश के बागपत के पास बना पूरा महादेव का जल अभिषेक किया था। कहा जाता है कि ये गंगा जल भगवान परशुराम गढ़ मुक्तेश्वर से कांवड़ में भरकर लाए थे, जिससे उन्होंने शिवलिंग का अभिषेक किया था। वहीं आपको बता दें कि पहले कांवड़िए में श्रवण कुमार का नाम भी आता है, क्योंकि श्रवण कुमार ने त्रेता युग में अपने नेत्रहीन माता पिता को कांवड़ में बैठाकर तीर्थ यात्रा करवाई थी। उन्होंने अपने माता पिता को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार में गंगा स्नान कराया और वापस जाते समय गंगा जल लेकर आए थे, तभी से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। इसके साथ साथ कुछ प्रचलित मान्यताओं में भगवान राम को भी पहला कांवड़ यात्री माना गया है। बिहार राज्य के सुल्तानगंज से कांवड़ में गंगा जल भरकर श्री राम जी ने बाबा धाम के शिवलिंग का अभिषेक किया था, तभी से कांवड़ यात्रा की शुरुआत मानी जाती है। वहीं ये भी मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब महादेव ने हलाहल विष का पान कर लिया था, तब विष के प्रभाव को दूर करने के लिए भगवान शिव पर पवित्र नदियों का जल चढ़ाया गया था, ताकि विष के प्रभावों को कम किया जा सके। सभी देवता मिलकर गंगा जल से जल लेकर आए और भगवान शिव पर अर्पित कर दिया। उस समय सावन मास चल रहा था। मान्यता है कि तभी से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई थी। नमस्कार।